बागेश्वर धाम की महिमा असीम है। यहाँ पर आपको हर दिन चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। आपने बहुत सारे व्यक्तियों की परेशानियों को बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के माध्यम से दूर करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि लाखों भक्तों की भीड़ में से वह कुछ ही भक्तों को बुलाते हैं और फिर उनकी समस्या को पर्ची पर लिख कर उनका निवारण करते हैं? तो दोस्तों, यह सब होता है अर्जी का कमाल, जो कि श्री बागेश्वर धाम सरोवर के चरणों में उनके दिव्य मंत्र ओम बागेश्वराय नमः के साथ में लगाई जाती है। अब दोस्तों, यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, और इसके बारे में तो खुद पंडित जी ने स्वयं बताया है कि घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग ही है अर्जी को लेकर, और यह सब मैं खुद मन से नहीं बता रहा हूँ। जब मैं बागेश्वर धाम की पावन भूमि पर गया और मैंने इसके बारे में जो सुना, वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर किस प्रकार से अर्जी लगाना है और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी अर्जी लगाना है? जैसे कि बहुत से व्यक्ति अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं तो उनके लिए अलग अर्जी लगानी होती है। बहुत से व्यक्ति अपनी शादी की कामना लेकर आते हैं तो उनके लिए अलग अर्जी लगानी पड़ती है। कुछ लोग अपने बच्चों की कामना को लेकर आते हैं, तब इनके लिए डिफरेंट अर्जी लगती है। एंड कुछ लोग भूत बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब इनके लिए अलग ही अर्जी लगती है। अब दोस्तों, समझ लेते हैं कि आपको कौन सी अर्जी लगानी चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं कितनी तरह की अर्जी होती है। फर्स्ट लाल कपड़े वाली अर्जी, सेकंड पीले कपड़े वाली अर्जी, थर्ड सफेद कपड़े वाली अर्जी, एंड लास्ट काले कपड़े वाली अर्जी। सो यदि आपको मनोकामना पूरी की अर्जी लगाना है, तब आपको लाल कपड़े वाली अर्जी लगाना चाहिए। यदि आप शादी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तब आपको पीले कपड़े वाली अर्जी लगाना चाहिए। और यदि आप बच्चों की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तब आपको सफेद कपड़े वाली अर्जी लगाना चाहिए। और यदि आपको भूत प्रेत से दिक्कत है, तब आपको काले कपड़े वाली अर्जी लगाना चाहिए। यह अर्जी आप श्री बागेश्वर धाम के दिव्य मंत्र के साथ में लगा सकते हैं। सच्ची निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ में हमें अर्जी लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जी लगाने के बाद आपको लहसुन प्याज खाना बंद करना पड़ेगा, वह आप अपनी श्रद्धा के अनुसार छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अर्जी से संबंधित सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अंत में ओम बागेश्वराय नमः।